सो गाइस दिस इज माय हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में हम देने वाले हैं एक प्रोडक्टिव डे। अभी हम जा रहे हैं जिम अटेंड करने के लिए, जिम क्लास। बाय द वे आज हम लोगों का डांस क्लास भी है, सो आई लव टू डू द डांस। सो इसलिए हम जिम वाला क्लास मतलब छोड़ना नहीं चाहते, स्किप करना नहीं चाहते। तो अभी देखिए बाहर का मौसम कितना अच्छा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये लोग जो सेल करता है। और ये वाला माय फ्रेंड दिस इज पोजो। हाय पोजो, हाउ आर यू? देखिए अभी साउंड करेगा, देखा ना, मतलब हर कोई प्यार का भाषा समझ ही लेता है एक्सेप्ट इंसान। इंसान इतना क्रिटिकल माइंड होता है, उसको जितना प्यार से पेश आओ मतलब वो लोग अपने आप को भगवान सोचने लग जाता है। कोई कोई है, हर कोई नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आफ्टर अ लॉन्ग डे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई डेली व्लॉग सीरीज, सो रहिए मेरे साथ मेरे आज वाला व्लॉग में। तो नाउ जस्ट आई एम रीचिंग फ्रॉम माई जिम क्लास एंड दिस इज माई आउटफिट। ये जिम के लिए हम खरीदे थे। इफ आई कैन गेट दैट चांस तो आई कैन शेयर विथ यू गाइज के कितना टाइप्स ऑफ जिम वेयर होता है या फिर ऑल दैट। तो अभी जस्ट नाउ हम रीच कर गए होम में और अर्ली मॉर्निंग उठे थे, तो थोड़ा सा नींबू का पानी पी के हम निकल गए थे जिम के लिए। तो अभी आ गए, अभी हम ट्राई वॉज टू टेक द बाथ एंड आफ्टर दैट आई विल शूट वन वीडियो। एंड उसके साथ साथ मुझे आज का लंच भी बनाना है और बहुत सारा काम है। तो चलिए रहिए मेरे साथ मेरे सिंगल लिविंग मतलब लिविंग अलोंग, सिंगल लिविंग मतलब लिविंग अलोंग ये वाला व्लॉग में। तो अभी हम गेट सेट गो टू टेक माय बाथ। सो गाइज टुडे आई एम गेटिंग सो मच ऑफ लेट। तो अभी जस्ट मीन्स 15 टू 20 मिनट्स बाकी है 12 बजने में। तो देखिए हम क्या ब्रेकफास्ट लिए हैं। ये मेरा ब्रेकफास्ट लंच हो जाएगा और मॉर्निंग में आप लोगों के साथ शेयर किए थे जो नींबू पानी पीते हुए हम जाते हैं। तो अभी देख लीजिए क्या क्या हम ब्रेकफास्ट आज खा रहे हैं। सो गाइज दिस इज माई ब्रेकफास्ट, दिस इज प्रोमिगामेट, दिस इज थोड़ा सा नारियल है, ये प्रोटीन के लिए ले लिए, ये है छोले और छोले के साथ थोड़ा पोटेटो है, पोटेटो नींबू और मिर्ची डाल के, मिर्ची में विटामिन सी होता है, सिट्रैक फूड है, ये नारियल है। तो नारियल का गुण हम सबको पता है, नारियल किस चीज़ में, हर एक चीज़ में नारियल का यूजेस है। और ये एक बनाना है। तो दिस इज माई टूडेज फुल फ्लेजेड ब्रेकफास्ट। अभी इसको लेने के बाद इफ़ आई फील हंग्री देन डेफिनेटली आई वुड लाइक टू अटेंड माई लंच सेशन। इफ आई मे नॉट फील एनी हंग्री तो थोड़ा सा लाइट करके आफ्टर 4 आवर्स आई कैन टेक अनदर मीन्स फूड। सो देखते रहिए आज का ब्लॉग मेरे साथ। तो चलिए हम जल्दी से खाना खा लेते हैं। वैसे सवेरे बेटे का खाना हो चुका था, उसको हम बोले थे कि आप खुद से, अभी नाउ मे डेज माई सन आर गेटिंग सो मच ऑफ एडवांस नहीं बोलेंगे, मतलब ये ऊपर वाले के दुआ से और आप लोगों के प्यार से बेटा धीरे धीरे मतलब अपना ब्रेकफास्ट बनाना भी सीख गए। आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, वो एक दिन अच्छे से वो चॉकलेट वॉकलेट देके एक सैंडविच बनाए थे, वो क्लिप्स हम उसको बोले थे कि तुम जब बनाओगे थोड़ा सा लेके रखना, हम मतलब अपने व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करना चाहेंगे वो वाला चीज़। तो खैर देखते हैं हम ये वाला ब्लॉग में वो अगर शेयर कर पाते हैं। तो आप लोग भी देखिए कि माई सन गेटिंग सो डेवलप, सो वही हम बोले ना ऊपर वाले की दुआ से और सब आप लोगों के प्यार से। खैर जो भी है, चलिए हम जल्दी से ब्रेकफास्ट ले लेते हैं। जाओ, तुमको जाना है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स को दिखाओ, कम है। Why are you staying? See your feet. Beta, you can take the bath and after that you come and take this. Acha, aaj ye wala karna hai. Ye wala to ho chuka tha. Ye fill the empty boxes. You need help for that. Okay, so today this is the word puzzle, huh? They have given that instruction. You need to fill this and make that word. Longest, a largest or smallest, they have given that order. Those have largest word, you need to write here. Those have smallest word, you need to write here. They have given the number. Okay, better these things, I think little bit of you need help, better you do that portion, your recognizable things, I think so. Yes or no? Yes. So you can carry worksheet 3. Okay, now go carry. So aaj aap do karoge ya fir ek karoge? Do kar le, jaldi se kar le. And just forgot to share with you guys, this is the one of the delicious or blood
बॉडी में ब्लड इंटैक्ट के लिए, इंटैक्ट नहीं, प्रोड्यूसिंग द ब्लड आयरन के लिए. अमेजिंग अमेजिंग. माई डॉक्टर वॉज सजेस्टेड दैट एवरी डे आई नीड टू टेक दिस बिकॉज आफ्टर 30 क्या होता है ना, बॉडी में जो आयरन कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल बॉडी जो होता है आयरन कैल्शियम का डेफिशिट मतलब देखा जाता है. तो वाइल आई गॉट दैट न्यूज़ के आई वॉज प्रेगनेंट ऑन दैट टाइम माई डॉक्टर फिजिशियन दे ही शी या शी सजेस्टेड मी दैट एवरी डे आई हैव टू टेक वन प्रोमगामिन. एंड माई हजबेंड हैव सो रिलायबल एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड के हस्बैंड उस टाइम मुझे इतना सपोर्ट दिए थे कि हर रोज़ वो बिफोर गोइंग टू ऑफिस वो कुछ होना हो मेरा खाना मतलब होल डे का खाना क्या से क्या हो रहा है पूरा लुक आफ्टर करके. जैसे कि एक फ़िश तो मुझे चाहिए ही चाहिए, फ़िश में आपका फाइबर होता है, फिश में जो रहता है जो भी मतलब बॉडी के लिए फ़िश बहुत ही ज़रूरी है. तो एक फ़िश वो मतलब ज़रूर उसका लुक आफ्टर करते थे कि हर रोज़ मेरे लंच में एक फ़िश रहेगा ही रहेगा. और ये वाला प्रोमिगामेट हर रोज़ मेरे ब्रेकफास्ट में एक करके प्रोमिगामेट रहेगा ही रहेगा. तो मान लीजिए कि बहुत ही मेरा प्रेगनेंसी में कोई इशू नहीं हुआ, मतलब अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सजेशन एंड अकॉर्डिंग टू माय हस्बैंड लुक आफ्टर कोई इशू नहीं हुआ. लेकिन होता है ना किसी किसी के लाइफ में बाहर से कुछ इशू आ जाता है, तो वो भी बात हम एक दिन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे क्या क्या हुआ था. मीन्स जैसे कि लगेगा कोई फिल्मी स्टोरी है. तो क्या चलिए जल्दी से खाना खा लेते हैं आप लोग ये तो मेरे साथ. तो हर एक वुमन को हर एक फीमेल बॉडी को इस चीज़ का रिक्वायरमेंट रहता है. अगर आप लोग मतलब जो ग्रीन कलर का बनाना आता है वो अगर नहीं लेना चाहते हो, या फिर मौसम्बी जो आता है मौसम्बी जो नींबू होता है वो अगर नहीं लेना चाहते हो तो ये ज़रूर लीजिए मौसम्बी. उसमें भी ब्लड बनता है बॉडी में और प्रोमिगामेट इसमें आयरन है ही है. तो चलिए हम ले लेते हैं. और ये चीज़ मेरे मम्मी दादी नानी का नुस्खा था, इस चीज़ को हर सवेरे लो, जो भी टेक्सचर है हेयर का पूरा चेंज हो जाता है. इसमें फैट भी है क्योंकि कोकोनट से ही तो ऑयल बनता है, इसमें फैट भी है लेकिन गुड फैट. खास करके मसल बिल्डअप में बहुत ही काम आता है. पता नहीं यार कितना हुआ है. Wow! Isn't look nice? This drawing created by my son. So this is the money plant. How it's look like? इसको हम बहुत मतलब टेकिंग केयर करके ये हम अपने जो टॉयलेट एरिया है उधर रखे हैं क्योंकि इट्स गिवन दैट गुड वाइब्स एंड पॉजिटिव थिंग्स. सो दिस रैक कंटेंट विद माय हस्बैंड थिंग्स एंड नाउ दिस इज द एस्थेटिक लुक्स. टुडे आई यूज टू टेक द बाथ विद क्रिएटिंग दिस एस्थेटिक मोमेंट. सो इधर देखिए हम कैंडल एक ऑन कर दिए. इसके साथ साथ आप लोगों का पहले हम एक व्लॉग डाले थे जिसमें हम डाले थे कि वैलेंटाइंस डे में माय हस्बैंड मुझे गिफ्ट किया था कुछ कैंडल वाला. तो वही एक उसमें से लैवेंडर वाला जो कैंडल था वही आज हम जलाए. क्योंकि देखिए द पीपल हैव देयर ओन डिफरेंट माइंड एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. आप कहीं पे अगर बाथिंग लेते हो तो वो आप रिलैक्स रूम भी बोल सकते हो, या फिर कोई कोई तो ऐसा भी मुझे बोले कि बाथरूम ब्लॉग ये वो. तो आप टॉयलेट मतलब इट्स यूज टू योर ओन माइंड. आप किस नज़र से देख रहे हो तो वो फ़र्क करता है. तो मुझे तो लगता है कि टेकिंग बाथ एज अ रिलैक्सिंग मोड, तो इसलिए इसको रिलैक्स रूम भी बोला जा सकता है. तो आज हम थोड़ा सा एस्थेटिक लुक्स क्रिएट किए और एकदम से थोड़ा सा गाना चला के आई एम टेकिंग द बाथ एंड आफ्टर दैट दिस इज़ माय स्किन केयर रेज्यूम. सो ये देखिए वैसलिन वाला जो है इसमें आपका नाइसरामाइड अलोंग विथ आपका ये है हेलोरिनिक एसिड, और इसके साथ साथ और भी एक पेयर में आता है जो रेटिनल ऑयल है.
तो वो आप नाइट पे भी यूज़ कर सकते हो, वो गोल्डन कलर का आता है। तो हर रोज़ ही मेरा आफ्टर बाथ ही मेरा रूटीन रहता है कि मॉइस्चराइज़र की भी काम कर जाता है और इसमें नाइसरामाइड हैलोनिक एसिड है, तो इट्स गिवन द परफेक्ट इफेक्ट फॉर सेंसिटिव स्किन। तो हम कोई भी मतलब फेस पे लगाते हैं तो एल्बो एरिया में लगा लेते हैं, क्योंकि एल्बो एरिया समटाइम्स हम लोग बहुत ही प्रेशर दे के कुछ कर लेते हैं तो इसमें डार्क पैचेस आ जाता है। तो ये देखिए, दिस इज़ द लैक्मी, ये AHA वाला सीरम है। तो ये हम हाल ही में यूज़ करना स्टार्ट किए, क्योंकि आई ऑलवेज प्रेफर द लैक्मी बिकॉज फॉर इंडियन स्किन टोन दिस इज़ द परफेक्ट थिंग्स, एंड जाहिर सी बात है आई हैव माय सेंसिटिव स्किन। तो ये हम जो यूज़ करते हैं ये मतलब कोई ऑयली इसमें तो है नहीं, लेकिन एक ग्लॉसी और एक प्लम्पी मतलब फीलिंग आता है, तो इसलिए हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं लैक्मी का। बाय द वे, दिस इज़ नॉट पेड प्रमोशन, हम जो यूज़ करते हैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये वाला मेरे स्किन पे बहुत ही अच्छे से सूट हो रहा है और इट्स गिवन द नाइस रिजल्ट। सो आई डेफिनेटली प्रेफर एंड डेफिनेटली गिव आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 अगर कोई मुझे पूछेगा तो। तो लैक्मी का ये मुझे बहुत ही पसंद है और ख़ास करके इसका जो स्मेल है, अमेजिंग स्मेल। तो हर रोज़ का ही मेरा यही है कि आफ्टर टेकिंग बाथ आई एम गोइंग टू टेक दिस टू, वन मॉइस्चराइजर एंड अनदर दिस सीरम, एंड समटाइम्स आई यूज़ टू टेक दैट विटामिन सी सीरम, बट जिस दिन मुझे निकलना रहता है या फिर इसके बाद हम शूट किए थे तो इसलिए हम बस यही लगाए थे। तो अभी हम आ गए अपना किचन में, और किचन में आके हम अपना खाना रेडी करने के लिए आ गए। आज का जो खाना था बहुत ही सिंपल था, ये राइस हम पहले से ही सॉर्टिंग करके रख लिए थे क्योंकि मुझे नाइट का भी रखना था। और इधर देखिए, दिस इज़ द चॉपिंग कोरिएंडर एंड दिस इज़ टमाटो, दिस इज़ द ऑनियन एंड दिस इज़ टू चिलीज। तो ये आज हम अपने जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं इसमें डाल देंगे। तो इधर हम पास से दिखा रहे हैं, और थोड़ा सा ये देखिए सोयाबीन हम पहले से ही बॉईल करके रखे थे, और उधर दही थोड़ा सा रख लिए थे कर्ड, तो इसमें थोड़ा सा कर्ड डाल देंगे। तो अभी इसमें एक पेस्ट बना रहे हैं जिसमें है अदरक मीन्स जिंजर ऑनियन, और इसके साथ थोड़ा सा गरम मसाला हम ऐड किए। तो ये वाला पेस्ट हम डाल के हम बनाएंगे आज का जो रेसिपी है वो है सोया चंक का रेसिपी। तो दिस पोर्शन व्हाट एवर यू गाइस सीन ओवर द कढ़ाई, तो दिस पोर्शन ये 3 times खाने के लिए है। तो अभी देखिए ये सब पूरा जो भी था हम डाल दिए थे कढ़ाई में, और इसको मतलब अच्छा से सौते करते हुए हम थोड़ा सा पानी देंगे, क्योंकि आप लोगों को दिखाई दे रहा है नीचे थोड़ा सा इसका लग गया कढ़ाई में, तो इसको थोड़ा सा पानी देके हम इसको ओके कर लेंगे, फिर इसमें हम सोयाबीन डाल देंगे। अच्छा, बिफोर सोयाबीन आप अगर करी में डालते हो उससे पहले ज़रूर सोयाबीन को निचोड़ के एकदम पानी निकाल के स्क्वीज करके निकल देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आपका ये करी वाला जो है तो वो इंटैक्ट होगा, सोयाबीन सोक द वाटर। तो ऑलवेज़ ये वाला करी मतलब जब बनाते हैं हम लोग सोयाबीन को अच्छे से निचोड़ के क्वीज करके फिर करी में डालना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि इसका जो मतलब करी का जो वाटरी जो सेंस है वो सोयाबीन के अंदर सोक हो। इसके बाद लास्ट में कोरिएंडर ऊपर स्प्रिंकलिंग करके हम इसको सर्व करने के लिए रेडी कर लेंगे। तो ये था हम लोगों का आज का मतलब लंच में, और जाहिर सी बात है हम एक ही बार टाइम पे हम किचन यूज़ कर लेते हैं, तो यही चीज़ हम डिनर पे भी यूज़ कर लेंगे, और अगर लेफ्ट ओवर रह जाएगा तो नेक्स्ट डे के लिए कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मुझे करना है। आई यूज़ टू लुक आफ्टर ऑल द सर्टेन थिंग्स, सो हर रोज़ किचन में आके हर रोज़ का नया नया रेसिपी बनाना पहले हम करते थे, लेकिन अभी और भी दूसरे चीज़ पे मुझे टाइम देना पड़ रहा है। तो इसके वजह से जितना भी हो सके हम मतलब हेल्दी खाने की कोशिश करते हैं।
आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम के लेफ्ट ओवर हो गया, वो कल का है आज का है. मोरलेस 24 आवर्स के अंदर अगर आप लोग ले लेते हो तो वो बॉडी के लिए कुछ भी हार्मफुल नहीं होता है. तो खैर जो भी है, पीपल हैव देयर ओन थिंकिंग थॉट प्रोसेस. तो मुझे लगता है आई एम गोइंग इन द माई वे विच इज ओके फॉर मी. आफ्टर टेकन लंच एंड नैप हम पार्क में चले गए थे बेटे को लेके. पार्क में थोड़ा सा टाइम बिताए. देखिए कितना अच्छा सा पार्क में जो है, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सीजनल बेस पे. अभी स्प्रिंग टाइम चल रहा है तो सीजनल बेस फ्लावर भी है और जाहिर सी बात है दिस इज़ द मार्च. मार्च के 15 तक ये विंटर वाला जो इमेज है, और फिर आप अमेज भी बोल सकते हो या फिर जो एम्बियंस ये भी बोल सकते हो, विंटर वाला ये चला जाएगा. उसके बाद मतलब समर वाला ऑन हो जाएगा. तो इसके वजह से हम पार्क में आ जाते हैं कभी कभार. और ये हम लोगों के बगल में ही ये वाला पार्क है तो फाउंटेन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. जब भी आते हैं हम इसका कुछ ना कुछ क्लिप्स उठा ही लेते हैं. तो आप लोगों के बगल में कौन सा वाला पार्क है ज़रूर मेंशन कीजिएगा. ये देखिए इवनिंग में पार्क का जो मतलब व्यू. आप जितना मतलब नेचर के क्लोज रहोगे उतना आपका माइंड बहुत ही ओपन अप रहेगा, एक पॉजिटिव वाइब रहेगा. तो इसलिए अपने आप को अच्छा रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है नेचर के करीब रहना. तो कैसा लगा इवनिंग ये वाला पार्क वाला, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. ये देखिए कैफे कॉफ़ी डेज में इसका हाल देखिए, सो गया. ये वाला बैग हम ऑनलाइन परचेस किए थे, ये अच्छा ही है लेकिन थोड़ा सिलाई विलाई पीछे का ठीक ठाक कर लेंगे. सो इन द इवनिंग वी आर अटेंड दैट कॉफ़ी कैफे डे. वहाँ पे जाके ये बर्गर ले लिए थे. तो एक ही बर्गर को हाफ करके दोनों मतलब लिए लिए थे. तो वी आर एंजॉइंग आवर इवनिंग स्नैक्स एंड उसके बाद घर आ गए थे. और एकदम से खाने का डिनर जो है वो लेने का मन नहीं था तो थोड़ा सा कॉफ़ी लिए और बेटे को दूध पिलाए. फिर उसके बाद अपना कल का डे रेडी करके सो गए थे. तो कैसा लगा आज का ये मेरा प्रोडक्टिव वाला व्लॉग, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. और चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए. बाय, लव यू ऑल.